नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर। इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा मध्य प्रदेश की बोर्ड व लोकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर अंतर न पूछे जाए तो पूछ सकते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं व खाड़ी किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम इन दोनों में अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रायद्वीप, जमीन का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, यानी जमीन का वह टुकड़ा, वह भाग जो तीन ओर से समुद्र जल से घिरा हुआ हो और एक ओर जमीन से लगा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि जमीन का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो तथा एक ओर जमीन से लगा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे भारत का नक्शा है, तो इसमें आप देखिएगा इसके जो तीन छोर हैं, जैसे कि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जल से लगे हुए हैं। यानी कि भारत के तीन जो किनारे हैं, तीन जो स्थल हैं, ये काय से घिरे हुए हैं, जल से, समुद्र जल से। परंतु इसका जो उत्तर का हिस्सा है, काय का उत्तर का हिस्सा है, वो काय से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ है। यानी कि चीन, नेपाल, ठीक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जमीनी हिस्से हैं। तो भारत के तीन छोर तो जल से घिरे हुए हैं और एक छोर जमीन से लगा हुआ है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप की श्रेणी में रखा जाएगा, कहेंगे इसको। अब हम देखते हैं खाड़ी। खाड़ी को इंग्लिश में बे कहते हैं दोस्तों, बे। अब देखते हैं इसका उल्टा होता है खाड़ी, यानी कि प्रायद्वीप का उल्टा क्या होता है, खाड़ी होता है। समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसे खाड़ी कहते हैं। यानी कि ये तो जमीन का वह हिस्सा था प्रायद्वीप में, क्या था, जमीन का वह हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, जबकि इसके विपरीत क्या है, समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों भारत का नक्शा है और इधर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि बे ऑफ बंगाल। क्या है ये, बे ऑफ बंगाल। तो देखिए, बंगाल की जो खाड़ी है, तीन तरफ से ये काय से घिरी हुई है, जमीन से घिरी हुई है दोस्तों। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये माँ की कोख में समाई हुई हो, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, खाड़ी। और दोस्तों, ये काय का नक्शा है, ये कौन से प्रदेश का नक्शा है, ये है गुजरात का नक्शा, ठीक है ना। तो गुजरात में दो बे हैं, ठीक है ना, दो खाड़ियां हैं गुजरात में। कौन सी खाड़ियां पड़ती हैं, दो खाड़ियां। तो देखिए, एक तो ये, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे हम, खंबात की खाड़ी, अर्थात बे ऑफ खंबात। तो देखिए, जो खंबात की खाड़ी है, ये तीन ओर से जमीन से घिरी हुई है। अब देखिए, ये क्या, कच्छ की खाड़ी, काय की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, यानी बे ऑफ कच्छ। तो ये भी देखिए, तीन ओर से जमीन से घिरी हुई है, ठीक है ना, ये पूरा का कच्छ का रण कहलाता है दोस्तों। तो देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी किसे कहते हैं, जो तीन ओर से जमीन से घिरी हुई हो, ठीक है ना, यानी समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जमीन का वह टुकड़ा जो समुद्र जल से तीन ओर से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।